आकाश देसाई, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर का वोल चैप्टर, हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपको इसके सीरीज मिलने वाले हैं, मतलब आपको पार्ट्स मिलेंगे इसके, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे हम लोग दो तीन पार्ट्स में हम लोग इंडेक्स नंबर चैप्टर को क्या करने वाले हैं सर, फिनिश करने वाले हैं। बच्चा अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आए तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जावे। देखिए अभी इंडेक्स नंबर एक्चुअली क्या होता है सर। इंडेक्स नंबर इज द डिवाइस यूज टू मेजर चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक वेरिएबल में जो चेंजेस होते हैं वो मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है। सर ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं सर? पॉपुलेशन में कितना चेंज हुआ, पॉवर्टी कितना चेंज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कितना चेंज हुआ, इन्फ्लेशन में क्या चेंजेस आए हैं, वो मेजर करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो क्या है सर? इंडेक्स नंबर से। देखो इंडेक्स नंबर्स वेर ओरिजिनली डेवलप टू मेजर चेंजेस इन द प्राइस लेवल। प्राइसेस में क्या चेंजेस हुए वो भी मेजर करने के लिए क्या इंडेक्स नंबर ओरिजिनली क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। अभी इंडेक्स नंबर्स के क्या क्या टाइप्स है सर? फर्स्ट वन हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इस पार्ट में वो है हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर। अभी ये प्राइस इंडेक्स नंबर है क्या? देखिए इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। सिंपल सर, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करता है सर? मेजर करता है चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक बात है। चलिए इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो प्राइसेस क्या हुए सर, चेंज हुए हैं, वो क्या किया जाता है सर यहाँ पे, उसका कंपैरिजन किया जाता है। सो जो प्राइस इंडेक्स नंबर है कंपेयर करता है लेवल ऑफ प्राइसेस, प्राइसेस के लेवल्स चेक करता है, कंपेयर करता है बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बीच का ये लोग क्या करते हैं सर, प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है। अभी आपको ये प्राइसेस कौन से दिए जाएंगे? सबसे फर्स्ट होगा बेस ईयर के प्राइसेस, देन करंट ईयर के प्राइसेस। अभी बेस ईयर क्या होता है सर? बेस ईयर इज नथिंग बट ए ईयर विथ रिस्पेक्ट टू विच कंपैरिजन्स आर मेड, मतलब जिसके बेसिस पे आपको कंपैरिजन करना है वो बेस ईयर है, जो कि डिनोट किया जाएगा जीरो से। करंट ईयर इज द ईयर फॉर विच कंपैरिजन्स आर रिक्वायर्ड, जिसके लिए आप कंपैरिजन कर रहे हो वो करंट ईयर है, जो कि डिनोट किया जाएगा वन से। तो बेस ईयर जिसके बेसिस पे कंपैरिजन करना है, करंट ईयर जिसके लिए कंपैरिजन रिक्वायर्ड है वो क्या है, करंट ईयर है। अभी प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है सर? देखिए P01 प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे सर डिनोट किया जाएगा, P01 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, या तो सम टोटल ऑफ प्राइसेस ऑफ, ऑब्वियसली ये क्या होगा सर, करंट ईयर। देखो मैंने बोला था करंट ईयर वन से, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड समेशन इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। अभी देखो यहाँ पे जो समेशन ऑफ P1 है उसको क्या बोला जाएगा सर, टोटल प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, एंड जो समेशन ऑफ P0 है वो क्या होगा सर, टोटल प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। अभी एक एग्जांपल से हम लोग को क्या करना है सर, कैलकुलेट करना है। देखो कमोडिटी आपके सामने ABCD, ठीक है, उसके प्राइसेस 2010 में, ये बेसिस है सर, 2010 में 20 थे, 60 थे, 100 थे, 40 थे। अभी वही कमोडिटीज़ के प्राइसेस इन 2015, जो कि करंट ईयर है सर, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया जाएगा आपको वो करंट ईयर है करके। सो उसके प्राइसेस दिए उन्होंने 30, 80, 130 एंड 60। तो आपको क्या करना है सर, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करना है प्राइस इंडेक्स नंबर। अभी हम लोग सिस्टमैटिकली ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको मेजर करना है प्राइस इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला आपके सामने है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इनटू 100। ठीक बात है, आपको फॉर्मूला याद करना है प्रॉपरली, एंड क्वेश्चन है हम लोग को प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना है सिस्टमैटिकली आप देखिएगा। चलिए यहाँ पे ये है हमारा सर आंसर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी देखो आपके पास कमोडिटी कौन सा है सर, कमोडिटी ए है, कमोडिटी बी है, कमोडिटी सी है एंड कमोडिटी डी है। प्राइसेस इन 2010 मतलब बेस ईयर के क्या क्या प्राइसेस थे आप देखिए ABCD के। चलिए तो बेस ईयर 2010 के प्राइसेस क्या थे सर, 20, 60, 100, 40। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 20, 60, 100 एंड 40, ठीक है। अभी प्राइसेस इन 2015 दैट इज करंट ईयर के प्राइस, दैट इज P1, ठीक है, उसके क्या क्या प्राइसेस थे देखते हैं। चलिए
प्राइसेस इन 2015 दैट इज करंट ईयर क्या थे, 30, 80, 130, 60. ठीक है. अभी हम लोगों को क्या करना है सर, इसका टोटल एंड इसका टोटल. तो अभी हम लोग करेंगे टोटल. टोटल में आपको जो आंसर आएगा वो कैन आई से सर, समेशन ऑफ पी जीरो मतलब टोटल प्राइसेस ऑफ बेस ईयर. टोटल प्राइसेस ऑफ बेस ईयर क्या होगा सर इसका टोटल, 100, 160, 200, 220. इसका टोटल होगा 220. अभी इसका टोटल देखते हैं सर, 240 होगा, देन ये 60 दैट इज 300. आप करके भी देखिएगा, 300 होगा. तो ये क्या होगा सर आपका, समेशन ऑफ क्या है सर ये P1, तो समेशन ऑफ P1 हो जाएगा आपका 300. अरे ठीक बात है कि नहीं, सिंपल सर. ये है बेस ईयर के प्राइसेस, उसका टोटल करना है. ये है करंट ईयर के प्राइसेस, उसका टोटल करना है. अभी ये है हमारा फॉर्मूला सर, प्राइस इंडेक्स नंबर डिनोट होगा P01 से, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इनटू 100. तो अभी हम फॉर्मूला में नंबर्स बनने वाले से सर, प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1. समेशन ऑफ P1 कितना है सर, 300. तो हमारा ये आ गया 300. समेशन ऑफ P0 कितना है सर, 220. तो ये हमारा आ गया 220 इंटू क्या करना है सर, 100. अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे. देखिए P01 दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू, अभी इसको क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्व. एक मिनट मुझे पेंसिल लेने दो. पहले क्या करो, 300 है, 100 को क्या करो मल्टीप्लाई करो, और ये है डिवाइड. इधर डिवाइडेड में क्या कुछ नहीं है, मतलब 1 है सर, तो कुछ भी नहीं है इससे समझो. और यहाँ पे 220 डिवाइडेड में इनका क्या करो सर, मल्टीप्लीकेशन करो पहले, और जब मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर जो आएगा क्या करो सर, 3 1 3, 0 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जो 0 है वैसा का वैसा लिख दो. ठीक है, अभी इसके डिवाइडेशन में क्या आ जाएगा आपका, 220. चलो आपको दिख नहीं रहा हो रहा होगा, तो ये हो जाता है आपका 30,000 डिवाइडेड बाय 220. देखिए कैसे, हाँ 300 इंटू 100 करना है. 3 1 3 लिखो, 1 ये 2 0, ये 2 0 वैसे के वैसे लिखो, और यहाँ पे बचा क्या सर, ये डिवाइड में है तो 220 को क्या करना है, डिवाइड. 1 0 गया, 1 0 गया. ठीक है, 22 और 30 कैसे करोगे सर, 22 1 22. ठीक है, बचा कितना सर, 30 को आपने गया तो 22 1 22 लिखा, तो बचा कितना सर, 30 माइनस 22 कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा. ठीक है, तो इसमें 22 3 जा आपका आता है 66. ठीक है, 66 होने के बाद 66 माइनस 80 आपका बचेगा 14 बचेगा. ठीक है, तो 14 बचता है, तो ये 14 ऑफ 8, इधर 22 है इधर 14 है सर, तो ये 140 पूरा ले लेना, 140. तो 22 अभी ये 146 जा 132 होता है कितना सर, 132. अभी 132 और इधर 140 है. ठीक है, मतलब 8 अभी भी बचता है, 22 है और 8 को डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा. यहाँ पे पॉइंट लो तो यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ. ठीक है, तो 22 यहाँ पे 80 था, तभी हम लोग ने कितने से किया था सर, 3 से. ठीक है, तो 22 3 66 होगा, फिर भी कितना बचेगा हमारा, 14 बचेगा. अभी तो और पॉइंट लेना पड़ेगा, तो बाकी का छोड़ दो, बचेगा कितना, 136.3. तो 136.3 आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको डिवाइड करो देन बचाओ, जो भी आंसर आएगा आपका पॉइंट में उसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका है प्राइस इंडेक्स नंबर सिस्टम. खत्म सर, इतना इजी. आपको आपके सामने अभी एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आपको सेम वे से आपको प्राइस इंडेक्स नंबर जो भी आपका आंसर आता है मुझे बताना है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर आपका बताना है, आपका क्या आंसर आया, तभी मैं बोल सकता हूँ कि आपका प्राइस इंडेक्स नंबर क्लियर है. इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. सेम वैसे आपको आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको सॉल्व करना है. जो भी आंसर आएगा देखते हैं जो कितने फटाफट आप आंसर बता पाओगे. कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना. एंड सर हमारे नोट्स अवेलेबल है इकोनॉमिक्स OC एंड SP इस सब्जेक्ट्स के लिए, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे
टोटली हैंड रिटन नोट्स रहेंगे कलरफुल पेन से लिखे हुए, आप वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आपको क्या करना है सर, व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है, देन आपको फर्दर डिटेल्स सेंड कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।